हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। लेट लेट ए इज ए सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, ठीक है, एंड रिलेशन, एक हमारा रिलेशन क्या है, आर। देखिए हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है। सिमिट्री के लिए 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम खाली इसको रखते हैं तो इससे क्या होगा, 1, 2, 2, 1 यानी 1, 1 यानी ये ट्रांजिटिव भी है, बट हमें क्या शो करना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसमें 2, 3 और 3, 2 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके क्रोस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, 2, 3, 3, 2, तो ये भी हो गया, बट 1, 2 और 2, 3 के क्रोस्पॉन्डिंग 1, 3 नहीं है, तो ये हमारे इस तरीके से रिलेशन बन गया। अब हम कहते लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, देयर शुड बी ए दैट बिलोंग्स टू आर, हेयर फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, देयर इज ए दैट बिलोंग्स टू आर, देयर फॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद फोर सिमेट्रिक क्या कहता है, देखिए, फॉर एनी ए एंड बी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन देन बी ए बिलोंग्स टू आर, हेयर वी सी फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू ए, देयर इज ए बी ए दैट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कि हम क्या देखते हैं, कोई भी ए बी जो आर से बिलोंग करता है उसके क्रोस्पोंडिंग एक बी ए भी है जो कि आर से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल, वन टू बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या है, देयर फोर इट इज सिमेट्रिक। उसके बाद हम लिखेंगे फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, फॉर एनी ए बी सी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेयर हेयर 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स।